मैं पढ़ना चाहती हूं, मेरी मदद कीजिए। देखिए भाई, इस खबर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और इस बच्ची की मदद करने की कोशिश कीजिएगा कि इसकी मदद हो जाएगी तो ये होनहार बच्ची डॉक्टर बनने का सपना देख रही है, डॉक्टर बन जाएगी। और ऐसे लोगों को खूब दिखाना चाहिए ताकि इनकी मदद हो और इनका सपना पूरा हो। पूरी खबर क्या है चलिए आपको बता देता हूँ, पूरी खबर जानिए। हर दिन कहता हूँ आपसे कहता हूँ ना, हर दिन अपनी खबर भेजिए, मैं दिखाऊंगा आपकी समस्या, जिम्मेदारों तक पहुंचाऊंगा। आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे खबरें भेज रहे हैं जिसे मैं सीधे मुद्दे की बात में चला भी रहा हूं। आज भी एक खबर आई है, राजेश मिश्रा उर्फ गुड्डू भैया ने मुझे एक लड़की की परेशानी व्हाट्सअप किया और लिखा, ज्ञानेन्द्र भाई इस लड़की की मदद हो जाएगी अगर विस्तार न्यूज इस मुद्दे को उठा देता है। तो मैंने अपने रिपोर्टर को भेजा और पूरी खबर मंगवाई। खबर क्या है अब ये जान लीजिए। बच्ची का नाम अंकिता रजक है, डॉक्टर बनना चाहती है अंकिता। 12वीं के बोर्ड परीक्षा में अंकिता ने मनेंद्रगढ़ जिला में टॉप किया है। 91.2% से फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है और बायोलॉजी सब्जेक्ट में 100 में 100, यानी साइंस में 100 में 100 नंबर लेकर आई है अंकिता। 100 में 100 मतलब समझ रहे हैं, इतने नंबर हैं भाई साहब कि इतने में तो 3 लोग पास हो जाते हैं। अंकिता की हालत इतनी खराब थी कि कोरोना के समय जब पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी थी तब अंकिता के पापा उधार पैसा लेकर अंकिता के लिए 8000 रुपए का मोबाइल खरीद कर लाए थे ताकि अंकिता की पढ़ाई प्रभावित ना हो। लेकिन अब पैसा ना होने की वजह से अंकिता के डॉक्टर बनने का सपना ऐसा लग रहा है जैसा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि घर वाले आगे की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बच्ची का वीडियो देखिए और अंकिता के घर के हालात को समझिए। सुनिए अंकिता क्या कह रही है, सुनाइए जरा। मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ बट एक्चुअली क्या है, मेरे जो पिताजी हैं वो कपड़ा धुलने का काम करते हैं एंड हमारी उतनी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि वो लाखों तक का फीस भर सकें, इंस्टीट्यूट की भर सकें। उस कारण मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। जब भी किसी होनहार बच्चे की पढ़ाई में पैसा रोड़ा बने तो मन बहुत दुखी होता है, बहुत व्यथित होता है। अंकिता के घर की स्थिति को आपको समझा देता हूँ। जिले के भरतपुर गांव की रहने वाली हैं अंकिता रजक। पिता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धोबी का काम करते हैं। आप समझते जाइए, सुनते जाइए, आगे बता रहा हूँ खबर। माँ भी पिता के काम में मदद करती हैं। घर का वीडियो देख लीजिए, एक कमरे में बेड और जमीन पर गैस चूल्हा रखा हुआ है। देखिए पुराना जो घर कच्चा घर है अब उसमें कोई नहीं रहता है, यही बेडरूम है और यही रसोई घर। अंकिता की माँ क्या कह रही है पहले ये भी सुनिए। सुनाइए जरा अंकिता की माँ क्या कह रही है। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है और बायो में 100 में 100 लाई है, इसलिए मैं शासन से निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी की पढ़ाई में आगे थोड़ी मदद करें जिससे वो आगे पढ़ सके और उसका नाम अच्छा हो, हमारे छत्तीसगढ़ का भी नाम अच्छा हो। और आप सभी से मतलब निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी का मतलब मदद करें कि जिससे आगे वो पढ़ सके। नीट की तैयारी करना चाहती हैं अंकिता, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते नीट की तैयारी नहीं कर पा रही हैं, इसलिए सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रही हैं। अंकिता ने अंग्रेजी में एक पत्र लिखा है, उसमें उसने अपने न्यूरो सर्जन बनने के सपने का जिक्र किया है। पत्र दिखा दीजिए भाई, इस तरह की खबर कोई नहीं दिखाता है क्योंकि इसमें सनसनी नहीं है ना। पर विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, हम ऐसी ही खबर दिखाते हैं जो सीधे आपसे जुड़े हो, जिससे आपका भला हो। हम आपकी खबर दिखाएंगे जिससे आपको मदद मिल सके, हमें नहीं दिखाना सनसनी टाइप की खबरें। अंकिता डॉक्टर बन जाएगी तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी TRP होगी। हमारी कोशिश होगी कि अंकिता डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करना चाहती है वो पूरी कर सके। इसके लिए हम लगातार अंकिता की मदद के लिए आप सभी को बताते रहेंगे, आपसे अपील करते रहेंगे कि सामने आइए, अंकिता के सपने को पूरा करने में मदद कीजिए। अगर आप अंकिता की मदद करना चाहते हैं तो अंकिता को सीधे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर अंकिता के पापा का है, ग्राफिक्स में देख लीजिए फोन नंबर लिखा हुआ है। उम्मीद नहीं, यकीन करता हूं कि हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो अंकिता के सपने को पूरा करने के लिए आगे आएंगे और अंकिता को डॉक्टर बनाने में मदद करेंगे।
नंबर एक बार ध्यान से देख लीजिए, सीधे फ़ोन कीजिए और उसके खाते में अगर आप मदद करना चाहते हैं तो अपनी सहयोग राशि डालिए ताकि उसका मनोबल बढ़े और डॉक्टर बने, देश की समाज की सेवा करें।